चौक चाली रही, मुझे भी सुनना है। अरे वाह क्या बात है। अरे दया भाभी क्या बात है, किस सोच में पड़ी हो आप? कुछ नहीं, क्या बताऊं, मैंने टप्पू के पापा को फोन किया तो वो छिका छिक कर रहा था फोन पर। मैंने उनको कहा कि आप बाहर जा रहे हैं तो छाता लेकर जाइए, पर मेरी बात नहीं मानी, अभी देखिए जुकाम हो गया। हाँ तारक का भी ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी कहो तो सबसे पहले मुँह से निकलेगा ना ना ना। अरे अंजलि भाभी मेहता साहब तो क्या, मारो रोशन पर नहीं वच्छे, उसको कितनी बार बोलती हूँ पार्टी शाटी मत कर, पार्टी शाटी मत कर, मैंने कोई भी दिवस मारी बात समझे छे सु। वैसे इन सब मामलों में माधवी भाभी लकी हैं, भिड़े भाई उनकी हर बात मानते हैं। हाँ माधवी भाभी ये तो है, अचार पापड़ की पैकिंग भी करके देते हैं और इस्त्री भी करके देते हैं, घर के सारे काम करके देते हैं। भिड़े बहन आप तो बहुत नसीब वाले हो। डोमल्याचं नसीब वाले। अरे कौवे हर जगह काले ही होते हैं, ये भी ऐसे ही है बाकी पतियों की तरह, उनको जो मन में आए ना वही करते हैं वो फाइनली। करेक्ट, पतियों के मतलब की कोई भी बात कहो उसमें फट से हाँ, बाकी सब में ना से। बराबर, हंस को मैं अगर कुछ खाने का चीज लाने के लिए कहूँ ना तो बिना भूले याद से लेकर आते हैं। अरे लेकिन भीड़ बहन मैंने तो टप्पू के पापा को उनके फायदे की बात की तो भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, अभी बात सुनी होती तो उनको जुकाम नहीं होता ना। भगवान जल्दी से उनका जुकाम ठीक हो जाए तो अच्छा है। ऐसे ही हम लोग पतियों की चिंता करते हैं ना, इसलिए वो हमारी बात सुनते ही नहीं। लेकिन भिड़े बहन हम लोग चिंता किए बगैर रह भी नहीं सकते ना। ते ही आहेच। अरे आप लोग बैठे क्या हो, लेओनी बाबा कोल्ड ड्रिंक लेओनी। अरे चलो 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 दया। दया बोलिए टप्पू के पापा। तू मैं रोशन भाभी के घर गई थी वहां से आ रही हूँ। दया मैं समझ गई, आप एक काम कीजिए कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं अपनी घरेलू जड़ी बूटी का खजाना खोलती हूँ और आपके ये जालिम जुकाम को उड़न छू कर देती हूँ। चलिए आई सब बन के आई। सॉरी जुकाम में चल तो सकते हैं। टप्पू के पापा लीजिए ये सूट का पाउडर खा लीजिए अच्छा रहेगा। सॉरी दया ये तो कोई बात नहीं, पाउडर उड़ गया उड़ जाने दीजिए, हमारे पास सूट की गोली भी है। वाह चला गोली। अच्छा अभी चलाती हूँ, चलिए चलिए मुंह खोलिए। ये लीजिए पानी। अब मैं आपको मस्त केसर बम। केसर बम? बेसिल केसर बम मैंने अहमदाबाद से भेजा है। नहीं नहीं दिया, भले ये बम तेरी माँ ने भेजा हो मैं ये बम नहीं खाऊंगा, चाहे तो तू मुझे असली गोली मार दे लेकिन मैं ये बम नहीं खाऊंगा। सब सब बोलिए किसने कहा कि आपको बम खाना है? तो इसमें केसर है ना, बम में केसर है मतलब बम खाने का। अरे बाबा ये बाम आपको खाना नहीं है, ये बाम आपको सर पर बबूत की तरह लगाना है, समझे मेरे बोलनाथ। सॉरी सॉरी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बाम लगा देती हूँ आपको अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद आप ये गर्म पानी की थैली
छाती पे रखकर सो जाइए, आपको अच्छा रहेगा। और फिर आप उठेंगे तब मैं आपको काढ़ा पिलाऊंगी, आपको बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। चले चले सो जाइए। भी ठीक हो जाएगा। हाँ बहुत गर्म है दया। सॉरी, ये रख दीजिए अब, बस ठीक है, सो जाइए। शेट्टी का जुकाम मुझे भी लग गया। नटू काका, ये लीजिए, जुकाम की गोली ले लीजिए। अच्छी बांका, शेट्टी का जुकाम तुझे भी लग गया? नहीं। क्या नहीं लग गया? मुझे शेट्टी का जुकाम नहीं, आपका जुकाम लग गया है। अच्छी, ओह सॉरी बांका। कोई बात नहीं नटू काका। बांका तेरी तो आवाज भी बदल गई। एकदम परेशान हो गया हूँ। अच्छी, ये जुकाम की बीमारी होती है चींटी जितनी, पर परेशान हाथी जितना कर देती है। अच्छी नटू काका, हम इतने स्ट्रांग हैं, फिर भी हमारी ये हालत है, तो सोचिए सेठ जी की क्या हालत हो रही होगी। राइटो, लेट मी आस्क। हाँ बोलिए नटू काका। एक मिनट सेठ जी, चालू रखना। बागा, सेठ जी की आवाज भी तेरे जैसी हो गई है। सेम पिंच। सेठ जी, हेलो 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 सेठ जी। सेठ जी, नटू काका कॉलिंग। सेठ जी। हाँ बोलिए बोलिए। घर पहुँच गए? हाँ, कब का। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, दया ने देसी दवाई दी, वो बस खा पी के सो गया था कि आपका फोन आया। बोलिए। ओह सॉरी सॉरी सेठ जी। सो जाइए सो जाइए सेठ जी। सेठ जी सो रहे हैं। ओह अच्छा, अच्छा। ओह माय गॉड, सेठ जी को हमारी तबीयत की खबर देना तो भूल गया। हाँ बोलिए। सेठ जी चिंता मत करना। किस बात की? आपका जुकाम मुझे लग गया, मेरा जुकाम बागा को लग गया। बागा। But we will manage। नटू काका एक मिनट। हेलो सेठ जी। हाँ बोल मगन। मगन नहीं, बागा बागा बागा। जो भी है बोल भाई। सेठ जी, आज मेरी और नट्टू काका की तबीयत थोड़ी डाउन है, तो दुकान जल्दी बंद करके हम दोनों घर चले जाएं। हाँ ठीक है। वेल सेड बागा। अच्छी। अरे फोन कट कर दिया। सेठ जी ने कहा ठीक है। ओ क्या हुआ? बोलिए। सेठ जी, आपको सिर्फ सॉरी बोलने फोन किया, आपको नींद में दो बार डिस्टर्ब किया। दो बार नहीं, तीसरी बार है नटू काका। नहीं नहीं, ये काउंट मत करो, ये तो सिर्फ सॉरी बोलने के लिए फोन किया। हेलो हेलो सेठ जी। क्या?
क्या है नट्टू काका? सॉरी हाँ सिद्ध जी सॉरी, फोन कट हो गया था। अरे कट नहीं हो गया था, मैंने कट कर दिया था। अबे फोन रखिए और शांति से सोने दीजिए मुझे। ओके ओके सॉरी सिद्ध जी, सो जाइए सो जाइए। अरे टप्पू के पापा भूल गए, सोना नहीं है। अरे सोना है लेकिन कोई सोने दे तो ना। तो क्या हुआ? नट्टू काका बार बार फोन कर रहे हैं। क्या काम है उनका? कुछ नहीं, उनको और बागा को भी जुकाम हो गया तो पूछ रहे थे आज दुकान जल्दी बंद करके घर चले जाए क्या। हाँ हाँ तो बोलना था ना, चले जाओ। हाँ भाई हाँ बोल दिया। एक काम कर, मस्त कड़क मसाला वाली चाय पिला। जी अभी लाई। अरे बहू आई बापू जी। बहू ये छाता। हाँ इस बाथरूम में रख। अरे जेठिया तू घर पर है, दुकान नहीं गया? नहीं गया था बापूजी, लेकिन सुबह दुकान जाते वक्त भीग गया तो जुकाम हो गया तो वापस आ गया। साव भोपा जेवो छे, जरा सा भीगा उसमें जुकाम हो गया। पोतो कहीं ना बापूजी मैं आपके लिए चाय हूँ। पापा लगता है आपके जुकाम का वायरस मम्मी को भी लग गया। अरे क्या कर रहा है जेठिया? अरे छींक खाते वक्त रुमाल हाथ में रख। क्या कर रहा है बबू चट? रुमाल ऐसे साइड में पकड़ा है और यहाँ छींक खा रहा है। अरे छींक खाते वक्त रुमाल को ऐसे नाक के पास रखते हैं। पता है बापूजी, लेकिन रुमाल नाक तक ले जाऊं उसके पहले रुमाल रखता हूँ तो दादाजी लगता है आपको भी जुकाम के वायरस ने पकड़ लिया। लगता है टप्पू, सॉरी, लगता है टप्पू को भी जुकाम के वायरस ने पकड़ लिया। मम्मी वायर नहीं, अच्छी वायरस। देख जेठिया सबको तेरे जुकाम का चेप लग गया। मैं सबके लिए बना के लाती हूँ। ये कौन सी चाइनीज दवा है? चाइनीज कांगछू। अरे कांगछू मतलब काढ़ा, मैं काढ़ा बोलने जा रही थी लेकिन बीच में छूक आ गई, मतलब छींक आ गई। नहीं नहीं काढ़ा रहने दे, मैं हाथी भाई को फोन करता हूँ, यह जुकाम अभी वही काबू में ला सकते हैं। देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, आप बारिश में भीग गए ना इसलिए बुखार हो गया है। एक फोन है, देखता हूँ। हाँ जेठा भाई बोलिए। क्या जेठा भाई आपको जुकाम हो गया है? मैं बताती हूँ। हेलो हाथी भाई दया भाभी आपको भी जुकाम हो गया? ला मुझे। हेलो हाथी भाई। अरे बाप रे चाचा जी आपको भी जुकाम हो गया है? हाँ। ओहो लगता है घर में सबको जुकाम हो गया है। हाँ। आप चिंता मत करो मैं अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी। देखिए एक इमरजेंसी आ गई इसलिए मैं 5 मिनट में, प्लीज वेट। अरे कुरियर रहने तो मैं लेता हूँ। तू ला भाई ला, तू मुझे
दादाजी रहने दीजिए, मैं अच्छी। अरे अच्छी, बाबू जी तेरा इधर। अरे जुकाम ने तो हाथीड़ा कब आएगा चाचा जी? अरे अरे हाथीड़ा आज आगे आगे हाथी पे आगे। जुकाम हम सबको हुआ है, तू अपने आप को क्यों चेक कर रहा है? चाचा जी क्या है ना, सीढ़ियां चढ़ के आया हूं ना तो सांस फूल गई है, इसलिए अपने आप को चेक कर रहा हूं। बस दो मिनट में अभी ठीक हो जाएगा। अब बताइए। समझ गया। आप सबको एक साथ कैसे जुकाम हो गया? ये सब इस जेठिया की वजह से हुआ। सुबह बिना छाता लिए दुकान गया, उसमें भीग गया तो जुकाम हो गया, और घर आया तो अभी उसके जुकाम का चेप हम सबको लग गया। वैसे बापूजी ये सीजन ही ऐसी है। सही बात है, बहुत बढ़िया सीजन है हमारे लिए मतलब हम डॉक्टरों के लिए। जेठा भाई जैसे आपकी दुकान में सबसे ज्यादा कस्टमर दिवाली की सीजन में आते हैं, वैसे ही हम डॉक्टरों की दिवाली बारिश की सीजन में होती है। मतलब आप सब डॉक्टर लोग दिवाली बारिश में मनाते हो? तो फिर बारिश में फटाके कैसे फोड़ते हो? वो क्या है कि सब डॉक्टर एक एक फटाके में इंजेक्शन मारते हैं, फटाके अपने आप फूट जाते हैं। ए भाई तू दवाई देना। दवाई की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको जुकाम है ना। दया भाभी एक काम कीजिए, आप फालूदा बनाइए, उसमें आइसक्रीम डालिए और सबको खिला दीजिए। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरा तो उसूल है मरीजों को खुश रख कर इलाज करना। शाबाश, चलो अभी दवाई दे। बहुत भारी जुकाम है, दवा देता हूँ। भाभी ये दवाई है, अभी गर्म पानी के साथ दो दो चम्मच डाल के सबको पिला दीजिए, और रात को भी खाना खाने के बाद दो दो चम्मच गर्म पानी के साथ। हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बारिश में बिल्कुल नहीं भीगना है, अगर कहीं बाहर गए तो रेनकोट या छाता लेके, और बाहर का तो इस सीजन में बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। टप्पू इस बात का खास ध्यान रखना बेटा। हाँ बेटा। हाँ पर हाथी अंकल ये दवा काम करेगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, वैसे भी जुकाम का ऐसा है कि अगर दवाई ना भी लो तो 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दवाई ले ली तो राहत रहेगी। दया भाभी मेरी फीस मैं देता हूँ। नहीं नहीं मैं फीस तो दया भाभी से ही लूंगा। दया भाभी फालूदा विद आइसक्रीम। अरे भाई जुकाम आप लोगों को हुआ है, मुझे थोड़े ही हुआ है। हाथी अंकल लगता है जुकाम के वायरस ने आपको भी पकड़ लिया। सही बात है। दया भाभी फालूदा कैंसिल। दो चम्मच गरम पानी के साथ ले लेना।
भाई आप अपने सर दर्द का इलाज करवाने किसी चिकित्सक के पास जाएं और वो खुद सर पकड़ के बैठा हुआ हो तो जैसे डॉक्टर हाथी को यहाँ छींक आ गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, डॉक्टर हाथी जेठालाल की छींक का इलाज तो कर देंगे, ये इलाज हुआ समझिए, क्योंकि डॉक्टर हाथी हम सबके फैमिली डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर को नब्ज बिल्कुल पता होती है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सभी का फैमिली डॉक्टर है, क्योंकि उदासी और गमों को दूर ले जाता है और आपके घरों में हंसी लाता है। जैसे कल के एपिसोड में कुछ ऐसा होगा कि आपके घरों में हंसी हंसी होगी, उठेंगे ठहाके, चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और चारों तरफ होगी खुशियां ही खुशियां, लेकिन वो क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।